सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि गाइस जो अपने पापा है वो गए हुए हैं लखनऊ। तो भाई लखनऊ वो गए हुए हैं, बट लखनऊ में पापा ने पूरा ब्लॉग करा हुआ है। वो ब्लॉग क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, वो अभी आप देखो और फिर मिलते हैं ब्लॉग के लास्ट में। तो गाइस अभी तो भाई मस्त रेडी हो चुके हैं भाई, और बज रहे हैं रात के अपने 7:44 और भाई पापा मस्त खा पी के रेडी हो चुके हैं और पापा जा रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ। तो नवाबी है बेटा हम भी, और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं लखनऊ में। चलो भाई, चलो भाई अभी चलते भाई फटाफट से, पापा को छोड़ के आते हैं बस स्टॉप। चलो भाई, चलो भाई, चलो ओके फिर मिलते हैं। चलो बाय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बाय। घर का ख्याल रखना। ओके भाई, यहाँ पर आ चुके हैं अभी और बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बस भी आ गई हमारी, ये हमने अपना बैग उठा लिया है। गाइस थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये बस हमारी नहीं है, ये बस कहीं दूसरी जगह जा रही है। तो अभी हम अपने बस का वेट कर रहे हैं, अभी हमारी बस आ रही है। जब हमारी बस आएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यही बस है, थोड़ा फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस हमारी यही है, ये बस है, बस के अंदर हम जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है गाइस, हम गाड़ी में आ चुके हैं। ये हमारे मित्र आ चुके हैं सतीश कुलवे जी। तो कौन सी हमारी बर्थ, ये एसी हमारा ऑन है, एसी ऑन है, आ चुके हैं बस में। और ये हमारा बेड, डबल बेड लगा हुआ है, डबल बेड में अभी हम सोते हैं, आराम करते हैं। कल सुबह लखनऊ पहुँचेंगे, लखनऊ पहुँच करके फिर आपसे बात करते हैं। ये बैठ गए हम अपने बिस्तर पे और अब हम आराम करते हैं थोड़ी देर। ऐसा ना, तुम मुझे को इधर करके सो जाओ और मैं इधर करके सो जाता हूँ, ठीक है ना? ये मैं उधर को सोऊंगा, उधर को, उधर को नहीं, मैं उधर को सो, नहीं मैं उधर को सोऊंगा, उल्टा नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा ना मेरे लिए उल्टा जाएगा, मैं उधर को सोऊंगा, तुम इधर को सोओगे। और बस हम ट्रेन हमारी, ट्रेन बोल रहा हूँ, बस हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अब ये बस हमारी चलनी शुरू हो चुकी है। तो गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लखनऊ पहुँच चुके हैं। ये रहा लखनऊ हमारा। चलो भाई साहब, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू, आ गया लखनऊ भाई। किसने जा रहा है ऑटो? ये शुद्ध हवा और धोईया पंत रोड में इस वक्त आप घूम रहे हैं। तारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। लखनऊ की गोमती नदी। गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं रूम पे। ये रूम है, छोटा सा एक रूम है जिसमें आज हम यहाँ अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे। ये बेडरूम है, ये इसका वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है। अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद हमको जिस मीटिंग के लिए जाना है उस मीटिंग में हम निकलेंगे। जो भी लखनऊ का अपडेट होगा आपको लखनऊ का अपडेट हम देते रहेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं, अब नहाने धोने की तैयारी चल रही है। ये कॉफी बन रही है, देखिए ये कॉफी मैंने बना दी है और कॉफी रेडी हो चुकी है। कॉफी पीते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर अपना 2-3 घंटे की यहाँ पर हमारी मीटिंग है लखनऊ के अंदर। और जो भी लखनऊ के अंदर नए नए अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। और आप लोग भी चाय पीजिए, कॉफी पीजिए और आनंद लीजिए। मैं जा चुका है नाश्ता खाने के बाद मुझे याद आती है, पर अभी इतना परफेक्शन नहीं है। हमारे मित्र बैठे हैं सतीश भाई, ये भी खा रहे हैं, नाश्ते में है हाँ सब्जी दही और पोहा और पूरियां थी, खा ली है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद भी हमको निकलना भी है, फिर आपको बात का अपडेट बाद में देते हैं। गाइस रूम से बाहर निकल रहे हैं, ये हमारा रूम है, रूम बंद हो गया है और हम निकल रहे हैं मीटिंग के लिए। बाहर गाड़ी आ गई है, गाड़ियां बैठते हैं और एक मीटिंग के लिए हमको जाना है अर्जेंट, फिर वहां पहुंचते हैं, वहां का अपडेट जो होगा तब आपको देते हैं। और हम निकल रहे हैं, ये गाड़ी हमारी तैयार खड़ी है। अरे कांडपाल जी क्या हाल है? ये हमारे मित्र है कांडपाल जी, कांडपाल जी आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है? अभी हम निकलते हैं गाइस, फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। कटौता झील, गाइस कटौता झील वो पहुंच चुके हैं।
गाइस ये पहुंच चुके हैं हम शहीद पथ, ये शहीद पथ पे हम चढ़ चुके हैं और हमारी पूरी टीम हमारे साथ बैठी हुई है। पीछे कांडपाल जी बैठे हुए हैं, पीछे सतीश खुलवे जी बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं बिहार के जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमको पूरा लखनऊ दिखा रहे हैं। ये पूरा शहीद पथ है, VVVVIP एरिया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। गाइस ये देखिए सामने है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये पूरा स्टेडियम है गाइस, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। बड़े बड़े गेम्स यहाँ पर होते हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर सामने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ। 27 मार्च से यहाँ पर मैच होने वाले हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि लखनऊ के सारे बेस्ट चीजें आपको दिखाऊं। कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी कॉल आती है तो यहाँ आती है 112 पर। गाइस बहुत सुंदर सिटी है, यूपी की राजधानी है लखनऊ और बहुत खूबसूरत शहर बना हुआ है। रोड देखिए नीट एंड क्लीन, इसीलिए आज मुझे पता चला कि इसको नवाबों का शहर क्यों बोलते हैं। नवाबों का शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ नवाब लोग रहते हैं। एक नवाब हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन सिटी है, साफ सुथरी सिटी है। अभी लल्लू मॉल आपको दिखाएंगे, लल्लू मॉल एशिया का नंबर 1 मॉल है। ये गोल्फ सिटी का ग्राउंड है पूरा, इसमें गोल्फ सिटी बनने वाली है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत गोल्फ सिटी बनने वाली है। ये लुल्लू मॉल है बगल में, ये देखिए ये लुल्लू मॉल लिखा हुआ है, एशिया का गाइस 1 मॉल है। ये देखिए ये शुरू हो चुका है, आपको दिखा रहा हूँ। आज इसी बहाने हम भी लखनऊ घूम रहे हैं और हम भी एक मीटिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आगे हमारी अभी मीटिंग होने वाली है, अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँची नहीं है। ये है लुल्लू मॉल। लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेदांता, यह है लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेदांता। ये अभी हम कौन सी शहर में, गोमती नगर लखनऊ का सबसे VIP रही एरिया माना जाता है। और ये यहाँ कहाँ को है लास्ट में? ये देखो ये पानी की नल की पाइप, ये आगे रहेगा। अच्छा, क्योंकि इसमें वो अभी केव नहीं है, ये हर जगह टोटी दी, देखो वो सामने उधर भी टोटी। एक मिनट बंदा करना। गाइस अभी आ चुके हैं एक चाय की दुकान पे और ये देखो चाय आ गई हमारी कुल्लड़ पे। ये चाय है, ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं और ये चाय है और हम साथ में बैठे हुए हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। गाइस मीटिंग बहुत बढ़िया रही, मीटिंग हमारी ओवर हो चुकी है और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोबारा उसी रूट पे अपने होटल की ओर को जा रहे हैं, होटल में पहुंचते हैं, फिर लंच वंच करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। लखनऊ का सारा अपडेट मैंने आपको बता दिया है, दिव्यांश पांडे भाई को हम ये क्लिप दे देंगे और वो अपने ब्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा। गाइस दोबारा से होटल में एंट्री हो चुकी है, ये हमारा होटल है 202, रूम नंबर 202, ठीक है। और अभी यहाँ पर लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर एक काम करें, फिर जाना है वो काम निपटा करके या शाम को या फिर कल हल्द्वानी को रिटर्न होंगे और देखते हैं क्या होता है। गाइस फिर दोबारा होटल से निकल चुके हैं, ये सामने अब दूसरी गाड़ी आई हुई है, एक और मीटिंग हमारी है, ये गाड़ी आ चुकी है, इसमें हम बैठ रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको मीटिंग पॉइंट पर। जय श्री राम। हिंदू वाहिनी वाली गाड़ी मिल गई है, ये हिंदू वाहिनी वाली गाड़ी है और फर्स्ट क्लास, इसके बिल्कुल कवर मजा आ गया, कलर में मजा आ गया, इसके पर्दे भी एकदम और सीट भी एकदम
और बाहर का कलर भी एकदम तुम्हारी गाड़ी जैसा है, दिल खुश हो गया। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारी मीटिंग है, ये गाड़ी से उतरते हैं और यहाँ हमारी मीटिंग है ऊपर। निकलते हैं डब्बू भाई, आओ, ये हमारे मित्र आ चुके हैं डब्बू भाई, सभी खुले ही, अब हम जा रहे हैं दोनों मीटिंग के बाद, फिर यहाँ से निकलते हैं, अगला अपडेट फिर आपको फिर देते हैं, ठीक है सर। फोटो लें तुमसे को, इसके बाद पता नहीं कब होगी मुलाकात। ये आपका तो कल परसों वीडियो में आ जाएगा ये उसमें। अच्छा, ये मीटिंग जो हमारी बहुत सक्सेसफुल रही। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच भैया। एक जो है फोटो आइए, समाप्त हो चुकी है। हमारे भाई साहब हमारे सामने हैं, जिनके साथ राजा भैया जिनके साथ आज हमारी मीटिंग थी, हमारे सतीश फुले जी सामने हैं, भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, हमारे कांडपाल जी सामने खड़े हैं, और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और फिर रूम पे पहुँचते हैं, फिर आपको देते हैं वहाँ का। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं हम होटल के रूम पे। ये आ गई हमारी गाड़ी, इस बार अलग गाड़ी है, सुबह से तीसरी गाड़ी है जो हम चेंज कर रहे हैं, और हमारे पायलट साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, भाई साहब ये फोर्ट फिगो। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमिताभ मिश्रा। अमिताभ मिश्रा जी हमारे साथ में है, ये पायलट साहब आज तीसरे पायलट हमारे साथ में, बुरा मानना। अरे सुबह 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 अलग थे, दिन में फिर अलग गाड़ी आई भगवा कलर की, और अभी पूरा नाम क्या बताए? अमिताभ मिश्रा, प्रिंस नाम है मेरा, निकनेम प्रिंस है मेरा। प्रिंस जी आप हमको दिखा रहे हैं, लखनऊ घुमा रहे हैं, अब यहाँ से हम प्रस्थान कर चुके हैं, अब दूसरे ऑफिस में हम जा रहे हैं। गाइस आ चुके हैं अपने एक और ऑफिस में, जो ऑफिस बनने वाला है, अभी यहाँ काम चल रहा है, ये पूरा काम चल रहा है। यहाँ पर वो रिसेप्शन एरिया है और ये केबिन है जो अभी तैयार हो रहा है, और होली से पहले पहले तैयार हो जाएगा। ये भाई साहब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपका पूरा मुंह सफ़ेद हो गया है, हो गया इसको। ये देखो मेहनत, देखो ये होती भाई साहब एक्चुअल मेहनत। और अब यहाँ से भी हम निकल रहे हैं गाइस, एक और ऑफिस में आ चुके हैं, अभी छोटी सी आधे घंटे की मीटिंग यहाँ पर हमारी हो रहा है। खंडवा जी कितने ऑफिस घुमाओगे आप? ये रिसेप्शन है और ये ऑफिस है, आधे घंटे की पारी यहीं बेटा, आधे घंटे की मीटिंग हमारी यहाँ पर इस ऑफिस में होनी है। अभी ये ऑफिस है, तो ये पानी आ चुका है, पानी पीते हैं, और आधे घंटे की मीटिंग यहाँ पर होनी है, उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे ऑफिस में, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत हैक्टिक था, बहुत थक गए हैं, आराम से ऑफिस में रूम में जाएंगे, फिर आराम करते हैं। गाइस खाना आ चुका है, खाने में पनीर, तवा रोटी, चटनी, प्याज, और हमारे मित्र सतीश खुले जी खा के बिस्तर सो चुके हैं और हम खाना खाते हैं। गाइस आज बहुत टाइट शेड्यूल था, बहुत बिजी शेड्यूल था, और अभी खाना खाते हैं, सोते हैं, और कल हल्द्वानी भी जाना है। जब तक हम लखनऊ में होंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुँचेगा। इसी के साथ शुभरात्रि सभागार, भगवान आपकी रक्षा करे, आराम से सो जाओ, कल का ब्लॉग देखना, कल या परसों का जो भी दिव्यांश को दे दूंगा, जब भी ब्लॉग डालेगा वो, तो इस ब्लॉग को देखना और एंजॉय करना। गुड नाइट।